ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड बुद्धिस्ट एसोसिएशन का 128वां स्थापना दिवस भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रधान कार्यालय पर मनाया गया। इस दौरान इस संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस संगठन के इतिहास के बारे में अपनी बातें रखी और आगे की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। और समझता हूँ कि बहादुर हैं जो धारा के विपरीत, प्रदीप जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग धारा के विपरीत जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहादुर निश्चित तौर पर ये प्रगतिशील तत्व है। और यही प्रगतिशीलता आगे डेवलप करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस देश को या समाज को या इस इतिहास को पीछे नहीं ले जाया जा सकता है। आप 2000 साल पहले की बुनियाद पर खड़े होकर के अगर दुश्मन का तलाश करेंगे तो दुश्मन का स्वरूप और शेर सब बदल चुका है। आज की परिस्थितियों में खड़े होकर के आज मूल्यांकन करिए कि दुश्मन कौन, नए चेहरे में आएगा उसका नया विश्लेषण आप करेंगे तब उसको पकड़ पाएंगे। अगर चेतनाओं को वहीं रखा आपने, वही पुरानी चेतनाओं पर खड़े होकर के दोस्त दुश्मन की आप तलाश करते रहेंगे तो आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, मारने और गिराने के लिए दूर दूर बात। ये सवाल है जो आप लोगों के बीच में हम छोड़ रहे हैं। विकास के क्रम में उनका अध्ययन किया जाए, उनको मनुष्य। अपने स्थापना दिवस के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एक तो बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना है, दूसरा ये कि आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी ये तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, दलित और शोषित जो साथियों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, तमाम तरह की वो मतभेद किए जा रहे हैं, आज भी बारात जाने के लिए शादी विवाह में घोड़े पर चढ़ने पर विवाद हो जाता है, कोई मूंछ रख लेता है उस पर विवाद हो जाता है, दूसरी तरफ इस पर भी आज चर्चा कर रहे हैं। हमारा उत्थान, हमारे और लोग जो हैं, जो हम तो जो नौकरियों में आ गए हैं, हमारे और भी जो हैं 97% जो जनसंख्या है जो अभी इससे वंचित है, उनको कैसे हम लोग इसमें भागीदार बनाएं, ये सब उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है ताकि लोगों को हम लोग अवेयर कर सकें। कितनी संख्या है, कहाँ कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? हमारी मंडल कार्यालय के अंतर्गत 22 ब्रांचेज हैं जो कि आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, पड़रौना, कुशीनगर, मऊ आदि शाखाएँ हैं और उन शाखाओं से लोग हमारे सदस्य।